मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में आज नवा रोज। साबिक वज़ीर आज़म की हालत बदस्तूर खराब और प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव भी बरकरार है। आपको बताएं कि मसूड़ों से खून आने पर दांतों की फिलिंग करवाई गई। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ की सूरत हाल तश्वीशनाक है। इनके प्लेटलेट्स में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त नवाज शरीफ के दिल का आरजा और गुर्दों का इलाज भी किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को मुतद्दिद बीमारियां होने की वजह से इलाज में मुश्किल दरपेश है। एक बीमारी पर कंट्रोल किया जाता है तो दूसरी बिगड़ जाती है। मेडिकल बोर्ड का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के पेट का स्किन टेस्ट लेने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ को किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी नहीं। बोर्ड चाहता है कि प्लेटलेट्स बेहतर होने तक नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल रखा जाए। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल जा सकते हैं, जबकि मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ को किसी दूसरे अस्पताल जाने की राय नहीं देगा। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मौजूदा डॉक्टर्स की टीम नवाज शरीफ की बीमारियों को बेहतर समझ सकती है। अस्पताल से मुंतकली की सूरत में नए डॉक्टर्स इलाज करेंगे, जबकि नए डॉक्टर्स को नवाज शरीफ की बीमारी को समझने में वक्त लगेगा।